गुड मॉर्निंग एवरीबडी और आई कुड आई शुड से गुड आफ्टरनून एवरीबडी एंड वेलकम टू दी प्लैनेट गेट यूट्यूब चैनल वी आर लाइव तो बेटा आज से हमारे इस सेशन की टाइमिंग चेंज हो गई इट इज गोइंग टू बी थर्टी पी एम डेली और इसमें हम लोग आज खत्म करने वाले हैं रेजोनेंस क्योंकि देखेंगे रेजोनेंस पे बेस्ड क्वेश्चन तो जल्दी से सब लोग एक बार दबा के लाइक ठोक देंगे ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देंगे मैक्सिमम बच्चों को इन्फॉर्म कर देना है कि अंकित सर लाइव आ चुके हैं दे हैव टू है दिस सेशन लाइव so let us start guys let me start by introducing myself my name is ankit goyal i got air 1 twice in gate in 2014 and 2018 i was awarded president of india gold medal in the year 2013 when i graduated from iit indore till date i have trained more than 1 lakh student in the online and the offline classes and i am currently working as a director at an academy for gate department अब मेरे बारे में ये सारी चीज़ें ज्यादातर बच्चे जानते हैं लेकिन बेटा वॉट मैटर्स द मोस्ट मैटर हमेशा ये करता है कि इंटेंट क्या है और आपने इंटेंट देख लिया होगा कल के लॉन्च इवेंट में क्रिएटरिक्स चैनल पे कि अब आप लोगों के इस चैनल पे तीन सब्जेक्ट पैरल चलने वाले हैं नेटवर्क सिग्नल एंड डिजिटल तो जिस तरह से कि आपकी तैयारी को एकदम एक इमीजिएट एक बूस्ट मिलेगा एक नेक्स्ट लेवल पर आपकी तैयारी जा सकती है लेकिन ये बात ध्यान रखें हमारे जो इनिशिएटिव है दे आर नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू यू दे आर ऑल्सो अवेलेबल अन अकेडमी लर्निंग एप तो अगर आप अन अकेडमी ऐप पे जाते हो एक्सेस आर फ्री इसके अलावा मेरे बच्चों आपको अगर मेरी स्पेशल क्लासेज देखने है, जो मैं अन अकेडमी पे लेता हूँ वो एक सिंगल लोकेशन पे प्रेजेंट है बेट डॉट ली स्लैश अंकित एस सी यहाँ पे जाओगे तो हमारी सभी स्पेशल क्लासेस पाओगे अपकमिंग में वो क्लासेस मिलेंगे जो आगे आने वाली है और जो पहले हो चुकी है वो आपको डिफरेंट डिफरेंट फोल्डर्स के अंदर मिलने वाली है तो कोई भी क्लास आपने अटेंड किया है या नहीं किया है आप उसको अभी भी देख सकते हैं और आपके लिए बेटा हम लोग अन अकेडमी पे चला रहे हैं मास्टर ब्लास्टर प्रैक्टिस सीरीज जिसका मैं आज एक सेशन लेने वाला हूं एट 3 पीएम इन दी आफ्टरनून तो इसके अंदर हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं दस हजार प्रैक्टिस क्वेश्चन दस हजार क्वेश्चन लगाने के बाद डेफिनेटली आपकी तैयारी एकदम नेक्स्ट लेवल जाने वाली है और आपको गेट के अंदर सारे क्वेश्चन ऐसे लगेंगे कि आप ऑलरेडी ऐसा क्वेश्चन करके आए हो तो मेक श्योर की यू आर अटेंडिंग दिस प्रैक्टिस सीरीज इसके अलावा आप चाहो तो आ सकते हो बेटा प्लस पे जहां मिलेंगे लाइव क्लास बाय ऑल दी टॉप एजुकेटर्स कॉम्प्रिहेंसिव के साथ साथ क्रैश कोर्स और ना सिर्फ इतना आपको मिलता है यहाँ डेली असाइनमेंट वीकली टेस्ट टेस्ट सीरीज क्वेश्चन बैंक और आपके सारे डाउट भी आंसर होते हैं एक सब्सक्रिप्शन में आपको सारी ब्रांचेस सारे बैचेस मिलते हैं चाहे फिर वो गेट हो ई हो पी हो स्टेट ए हो बट जो बच्चे इससे भी ऊंची उड़ान भरते हैं दे गोविद आइकॉनिक वहां प्लस बेनिफिट्स के साथ मिलता है पर्सनल कोच जो पूरा स्टडी प्लानर बनवाता है टीचर्स आपको गाइड करते हैं मोटिवेट करते हैं बूस्ट करते हैं इन द स्टडी बूस्टर सेशन आपको मिलता है टेस्ट का सेपरेट एनालिसिस जहां आपको पता लगती है आपकी स्ट्रेंथ्स और वीकनेस स्टडी मटेरियल और साथ ही साथ आपको मिलती है डेडिकेटेड टीम जो आपके सारे डाउट क्लियर करती है तो बेटा यहां पे अगर आप कोड यूज करते हो अंकित ये तो आपको इमिजिएटली मिलता है टेन परसेंट डिस्काउंट एंड माई पर्सनल गाइडेंस और ये नया बैच स्टार्ट हुआ यार इसके अंदर मैंने मेजरमेंट स्टार्ट किया है अगर आपको अन अकेडमी से तैयारी करनी है पूरी सिस्टमेटिक वे में विद इन टाइम जहां पे कि आपका रिवीजन भी हो जाए आपका कोर्स भी कंप्लीट हो जाए तो ज्वाइन अन अकेडमी इमिजिएटली यूज कोड अंकित फॉर डिस्काउंट ईसी के लिए वी सुरेश सर ने स्टार्ट किया EMFT, और विशाल सर लेके आ रहे हैं ईसी वाले बच्चों के लिए कॉम्युनिकेशन तो अगर ईसी वाले बच्चे हो तो बेटा आपके लिए कोर का सीजन स्टार्ट हो गया इससे बेटर क्या हो सकता है जल्दी से ज्वाइन कर लो और बेटा इस संडे होगा स्कॉलरशिप टेस्ट बाय नेम इसके अंदर आप जीत सकते हो इवन हंड्रेड परसेंट तक की स्कॉलरशिप तो सभी बच्चे अपीयर करेंगे इसके अंदर और अंकित ईएसी कोड से बेटा आपकी वन ईयर फीस होती है पर मंथ फीस मिनिमम रहे आइकॉनिक में वन ईयर इज फोर्टी फाइव टू ट्वेंटी सिक्स सिक्स हंड्रेड अगेन बेटा प्रेफर गोइंग फॉर टू ईर्स ठीक है चलो तो शुरू करते हैं ये रहा पहला क्वेश्चन भाई अल एल सी सर्किट हैज अ ऑफ हंड्रेड रेडियन पर सेकेंड लोअर हाफ पावर फ्रीक्वेंसी थाउजेंड रेडियन पर सेकेंड आर एज टू हंड्रेड ओम फाइंड द वैल्यू ऑफ एल एंड सी चलो रोहित बेटा पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का कोर्स आज से स्टार्ट हो रहा है क्रिएट्रिक्स चैनल पर शाम छह बजे ठीक है चलो 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 कम ऑन एवरी वन एल और सी निकालो तो आज देखो आपका ये रेजोनेंस वाला टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा इसके बाद हम लोग क्या करेंगे हमारे पास बचा है लोकस डायग्राम और एसी ट्रांजिएंट वो निपटाएंगे देन वी विल मूव टू द टू पोर्ट नेटवर्क जून के अंदर वी विल मेक श्योर sure कि हम लोग सारा का सारा नेटवर्क कंप्लीट कर दें आगे के चैप्टर्स जो हैं वो बहुत छोटे छोटे चैप्टर्स हैं कम कम क्लासेज में वाइंड अप होंगे डोंट वरी अबाउट एट ऑल, जैसे टू पोर्ट नेटवर्क हार्डली फाइव सिक्स सेशन के अंदर हो जाएगा ग्राफ थ्योरी दो सेशन मैग्नेटिकली कपल्ड सर्किट दो से तीन सेशन इतने छोटे टॉपिक्स हैं ये समझ रहे हो एक एक हफ्ते में दो दो चैप्टर भी निपटेंगे चलो भाई जल्दी से बनाओ क्या आ रहा है ए आ रहा है अभिनव का बाकी लोग बताएं भाई अभिनव ने सबसे पहले आंसर किया है दैट इज ए विवेक भी कह रहे हैं ए चलो देखें देखो सबसे पहले तो आप ना रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पे ध्यान दो ओमेगा नॉट होगा वन बाय रूट ओवर एल सी दैट इज टेन टू पावर थ्री एल सी इज टेन टू दावर माइनस सिक्स अब इसने बोला है लोअर हाफ पावर फ्रीक्वेंसी थाउजेंड रेडियन पर सेकेंड ठीक है बैंडविड तो है हंड्रेड तो ओमेगा एच इज़ 1100 हंड्रेड ओमेगा नॉट कितना होगा रूट ओमेगा एल ओमेगा एच दैट इज टेन की पावर टू अंडर रूट वन वन जीरो ठीक है ये आएगा ओमेगा नॉट और बेटा जो बैंडविड्थ है हंड्रेड वो क्या होती है वन बाय आर सी वन बाय टाओ के बराबर होती है ना तो यहाँ से सी तो निकल जाएगा आर है टू हंड्रेड वन बाई टू इंटू टेन टू दावर फोर तो टेन की पावर फिफ्टी माइक्रोफेरेड और ये ओमेगा नॉट आ गया तो एल इज वन बाय ओमेगा नॉट स्क्वायर सी तो वन बाय हंड्रेड सॉरी हंड्रेड का स्क्वायर इंटू हंड्रेड एंड टेन फिफ्टी इंटू टेन की पावर माइनस सिक्स तो एक दो टेन की पावर सिक्स वन बाई फिफ्टी फाइव तो कितना आ रहा है भाई फिफ्टी माइक्रोफेरेट और वन बाय फिफ्टी फाइव ऑलमोस्ट ट्वेंटी मिली हेनरी तो ये आ रहा होगा डी डी आ रहा है ना चेक करो जरा बट मिली में आना है तो ए के करीब आएगा आंसर बी के करीब सॉरी मिली में बोला है ना तो बी के करीब ठीक है आंसर विल बी समवेयर नियर टू बी अट्ठारह उन्नीस ही आ रहा होगा बट बीस वाला क्लोजेस्ट ऑप्शन है तो वो लगा दिया चलो नेक्स्ट इन द पैरल आर एल सी सर्किट आर इज एट किलोम एल इज पॉइंट टू मिली हेनरी एंड सी इज एट माइक्रोफेरेट कैलकुलेट ओमेगा नॉट क्यू एंड बी ओमेगा वन एंड ओमेगा टू पावर डिसिपेटेड एट ओमेगा नॉट ओमेगा वन ओमेगा टू करो भाई सिंपल क्वेश्चन है पैरल आर एल सी सर्किट दिया है भाई यहां पे ये जो है ना टेन साइन ओमेगा टी ये मेरे हिसाब से करंट सोर्स होना चाहिए दिस शुड बी अ करेंट सोर्स क्योंकि अगर वोल्टेज सोर्स होगा तो रेजिस्टेंस की वोल्टेज तो फिक्स हो गई उस सिचुएशन के अंदर क्या होगा ना करेंट सोर्स अगर ये वोल्टेज सोर्स हुआ तो रेजिस्टेंस की जो पावर डिसिपेशन है वो भी फिक्स हो गई तो सी वाले क्वेश्चन का कोई मतलब ही नहीं रह गया पैरेलल में करंट सोर्स आना चाहिए चलो समझ में आया ना पैरेलल में वोल्टेज सोर्स लगाओगे तो रेजिस्टेंस का वोल्टेज और करंट तो फिक्स हो गया किस बात का रेजोनेंस गुड आफ्टरनून वृष्टि गुड आफ्टरनून नितिन गुड आफ्टरनून हरजीत बेटा जल्दी से आंसर निकाल दो इस बार देखते हैं ये क्वेश्चन सबसे पहले कौन सॉल्व करने वाला है अभी ना एक पार्ट नहीं बेटा एटलीस्ट कम से कम ओमेगा नॉट क्यू और बी ये तीनों तो दे देते सिर्फ ओमेगा नॉट से क्या होगा इससे हमारा काम नहीं चल पाएगा ना मंथन बेटा ओमेगा की यूनिट हर्ट्स में कैसे आने लगी यूनिट पे ध्यान दो ओमेगा की यूनिट हर्ट्स में कैसे देखें देखो फर्स्ट पार्ट देख रहे हैं तुम लोग ओमेगा नॉट ही इतनी धीरे से निकाल रहे हो पता नहीं क्या करके मानोगे एक पैरेलल आरएलसी सर्किट है कम से कम फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन तेज बनना चाहिए ना ये तो 25 किलो रेडियन पर सेकंड आ रहा है भाई 25 किलो रेडियन पर सेकंड आ रहा है 2500 में एक जीरो गड़बड़ है अभिनव का भी और शंकर का भी एक जीरो खा गए हो ठीक है अब बैंड वेथ वन बाय टू आर सी और नमन आज लेट कैसे हो गए भाई टाइमिंग कल ही तो बताया है। थाउजेंड बाय सिक्सटी फोर वन ट्वेंटी एट ठीक है तो ये हुआ फोर पे काटा एट पे काटा एट पे अगर काटे तो वन ट्वेंटी फाइव बाय सिक्सटीन ठीक है एट पे अगर काटा जाए तो कितना होगा सिक्सटीन सेवन सिक्सटीन सेवन वन वन टू एक सौ तीस वन थर्टी सिक्सटीन एट वन ट्वेंटी एट ट्वेंटी सिक्सटीन वन सिक्सटीन फोर सिक्सटीन टू थर्टी टू ये आ रहा है सेवन पॉइंट एट वन टू फाइव बताना जरा सॉरी वन बाय आर सी होता है ना टू नहीं होता Hmm. यहां पे आएगा सिक्सटी फोर एट वन एट फोर्टी फाइव फाइव फोर्टी फिफ्टी सिक्स टू फाइव रेडियन पर सेकेंड क्वालिटी फैक्टर ओमेगा नॉट बाय बैंडविड्थ ठीक है यही बनेगा ना हाँ 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 वन बाई आर सी होता है तो आ, मांगा है मैंने आपको एक शॉर्टकट बताया था कि अगर बैंडविड्थ आपकी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी से बहुत छोटी आ जाए जो कि यहां ऑब्वियसली आ भी रही है पच्चीस हजार और पंद्रह में कंपैरिजन करना बेकार है तो हम क्या कहते हैं ओमेगा वन इज ओमेगा नॉट माइनस बैंडविथ बाय टू कितना होगा पच्चीस हजार माइनस पंद्रह पॉइंट छ दो पांच बटे दो ट्वेंटी फोर नाइन नाइन टू पॉइंट वन एट रेडियन पर सेकेंड ऐसे ओमेगा टू ट्वेंटी फाइव जीरो जीरो सेवन पॉइंट एट वन टू फाइव ठीक है ये हो गया अब हम क्या कहते हैं यार देखो इसने अगले क्वेश्चन में ये पूछा है कि कितना पावर डिसिपेट होगा कितना पावर डिसिपेट होगा रेजोनेंस पे और आपका ओमेगा वन और ओमेगा टू पे रेजोनेंस पे क्या होगा बेटा सारा का सारा सोर्स का करेंट रेजिस्टेंस से फ्लो करेगा आप बोलेंगे एट रेजोनेंस एंटायर सोर्स करेंट flows through आर ठीक है एंटायर सोर्स करेंट फ्लोज थ्रू आर तो यहां पे आपका पावर कितना होगा आर है आपका कितना एट किलो तो ये कितना होगा भाई 150 एट हाफ पावर फ्रीक्वेंसी पावर विल बी पी मैक्स बाय टू हाफ पावर इसीलिए तो बोलते हैं यही आ रहा है ना फोर हंड्रेड और टू हंड्रेड बहुत ही बढ़िया जो आपकी कट ऑफ फ्रीक्वेंसी होती है वो हाफ पावर है तो पावर तो सीधे हाफ हो जाएगी निकालने की भी क्या जरूरत है चलो नेक्स्ट रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी आशीष विच लाइव लेक्चर्स आर यू टॉकिंग अबाउट आई ऑलरेडी कवर्ड एनालॉग ऑन एन अकेडमी प्लस विच लाइव क्लास आर यू टॉकिंग अबाउट आशीष जल्दी से निकालो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी

Ashish, I have already completed analog. Just in the mid of May only it got completed. चलो 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 भाई बना दो जल्दी से इतना टाइम थोड़ी लगेगा इसमें रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी बतानी है वो भी रेडियन पर सेकंड में कैलकुलेशन भी कोई ज़्यादा नहीं है ए आ रहा है चलो देखें इस बार तो सभी का सेम टाइम पे आया है तो देखो ये होगा वन बाय फिर ये जे ओमेगा और ये टेन तो मैं जेड क्या बोलता हूं जे ओमेगा प्लस टेन इसको ऐसे भी लिख सकते हो वन बाय जे सॉरी फाइव बाय जे ओमेगा इसको ऐसे भी लिख सकते हो फाइव बाय जे ओमेगा माइनस जे मतलब ऊपर ना लेके ऐसा मैं क्यों लिख रहा हूं मैं बताता हूं अब जे ओमेगा नीचे ले जा सकते हो ना आप इजीली फिफ्टी बाय फाइव प्लस टेन जे ओमेगा समझे इसलिए लिखा अब इसे रेशनलाइज कर लो भाई अब तो मुझे लगता है काफी हद तक तुम लोगों का डर कम हो गया होगा यार कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन से क्या बोलते हो फिर रेजोनेंस कंडीशन पे यू विल से कि इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड इज जीरो तो बेसिकली ओमेगा इज इक्वल टू फाइव हंड्रेड ओमेगा तो एक तो देखो ओमेगा जीरो ही आ गया वो तो हटाई दो ओमेगा काट दो ट्वेंटी फाइव प्लस हंड्रेड ओमेगा स्क्वायर फोर सेवेंटी फाइव तो ओमेगा इज रूट ओवर फाइव का आता है टू पॉइंट टू सिक्स उससे थोड़ा छोटा आएगा तो ए रूट फाइव होता है ना टू पॉइंट टू सिक्स तो उसका उससे थोड़ा छोटा आएगा दैट इज टू पॉइंट वन सेवन नाइन आशीष डू यू अंडरस्टैंड हिंदी और यू आर यू अंडरस्टैंड कम्प्लीटली इंग्लिश टेलमी अगला ट्राई करूं भाई डिजिटल बेटा साढ़े चार बजे लगेगा शंकर लेकिन जून से फॉर द सर्किट शोन इन द फिगर कैलकुलेट द रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी ओमेगा नॉट क्वालिटी फैक्टर एंड बैंड विथ वॉट इज द वैल्यू ऑफ कैपैसिटीज दैट मस्ट बी कनेक्टेड इन सीरीज विथ ट्वेंटी माइक्रोफेरेट कैपैसिटर टू डबल द बैंड विथ सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन किस में लगा लो लगाने को कोई दिक्कत नहीं है हाँ कर तो सकते हो वैसे उससे भी हो जाएगा सही कह रहे हो गुड पॉइंट दोनों समझते हो ना तो बिल्कुल अगर आप अन अकेडमी ज्वाइन करते हो तो आप मेरी क्लासेस देख सकते हो एनालॉग का कोर्स उसमें समवेयर अराउंड मेरे ख्याल से होगा हंड्रेड आवर्स के आसपास तो हंड्रेड आवर्स के आसपास वो कोर्स है आप वो देख सकते हो चलो 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 भाई जल्दी से बना दो वर्चुअल कैलकुलेटर यूज करने में प्रॉब्लम आता है कोई बात नहीं मैं वर्चुअल कैलकुलेटर का एक सीरीज बना दूंगा ठीक है डोंट वरी अबाउट इट नेक्स्ट वीक रखता हूं एक काम करता हूँ नेक्स्ट वीक बनाऊंगा ये अच्छा तुमने याद दिलाया यार अगले हफ्ते जो है ना एक पूरी सीरीज लॉन्च कर दूंगा फॉर यूजिंग द गेट वर्चुअल कैलकुलेटर स्वाति का ओमेगा नॉट आ गया बाकी पैरामीटर्स भी बताओ भाई ये क्वेश्चन तो शॉर्ट होते हैं यार फॉर्मूला बेस्ड होते हैं इसमें तुम लोग इतना टाइम काहे लगा रहे हो देखो यहाँ पे इंडक्टेंस इक्विवेलेंट हो जाएगी 15 मिली हेनरी फिर ये क्या बन गया ये बन गया एक पैरल आर एल सी सर्किट ठीक है पैरल आर एल सी सर्किट अब यहां पे क्या होगा वन बाय रूट एल सी एल कितना है फिफ्टीन मिली हेनरी सी कितना है ट्वेंटी माइक्रोफेराइड ठीक है तो थ्री हंड्रेड ये देख लेते हैं कितना आ रहा है टेन बाय रूट थर्टी अगर निकालूंगा वन पॉइंट एट टू फाइव किलो रेडियन पर सेकेंड ठीक है अब बोला है क्वालिटी फैक्टर एंड बैंडविथ बैंडविथ होगी वन बाय आर सी ट्वेंटी फाइव इंटू ट्वेंटी किलो और माइक्रो कटेगा तो माइनस थ्री बचेगा ठीक है क्वालिटी फैक्टर पॉइंट नाइन वन टू फाइव इंटू टेन की पावर थ्री या फिर ये कह दो नौ सौ बारह पॉइंट पांच अब बोला है बैंडविथ डबल करनी है फॉर डबलिंग बैंडविथ फॉर डबलिंग बैंडवेट आपका जो कैपेसिटेंस है वो पहले से हाफ हो जाए देयर फोर कनेक्ट ट्वेंटी इन सीरीज ट्वेंटी के ट्वेंटी सीरीज में जोड़ दोगे ना अगर तो बेटा कैपेसिटर की नेट वैल्यू आधी हो जाएगी कैपेसिटर की अगर नेट वैल्यू आधी हो गई तो आपकी बैंडवेट डबल हो जाएगी वन बाय आर सी बिल्कुल रवि पैसे फिल्टर इसी को भी करना चाहिए बिना पैसे फिल्टर के आप एक्टिव फिल्टर कैसे करोगे एनालॉग का चलो अगला ए, आ, लेट वी एस इज ट्वेंटी कॉस एटी आपको बताना है ओमेगा नॉट क्वालिटी फैक्टर और बैंडविथ वैल्यूज नज़र आ रही होंगी ट्वेल्व किलो ओम फोर्टी फाइव किलोम वन माइक्रोफेरेट सिक्सटी मिली हेनरी चलो आशीष अगर डाउट आता है बेटा तो डाउट सेशंस लगते हैं जैसे एनालॉग के डाउट सेशन जाहिद सर लेते हैं एनालॉग ए का मैं कोर सब्जेक्ट्स के लेता हूँ तो हमारी पूरी टीम ना हफ्ते में एक एक दिन सिर्फ बच्चों के डाउट्स आंसर करती है नहीं बेटा एनालॉग के लिए ईडीसी रिक्वायर्ड नहीं है चलो क्या रहा है नमन कह रहे हैं बी बाकी लोग भी बताओ देखें क्या देखो इस तरह के क्वेश्चन में क्या करो ना अप्लाई सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन अगर आप सोर्स ट्रांसफॉर्म करोगे बेटा तो ये जो है ना वोल्टेज सोर्स से करंट सोर्स बन जाएगा ठीक है, 12 किलो ओम 45 किलो ओम व 60 मिली हेनरी वन माइक्रोफेरेड अब देखो ओमेगा नॉट में क्या है ये तो एक पैरेलल आरसी सर्किट बन गया ना तो ओमेगा नॉट सिंपली है वन बाय रूट एल सी अगर ये करोगे सिक्सटी इंटू टेन की पावर माइनस नाइन फोर जीरो एट टू पॉइंट फोर एट रेडियन पर सेकेंड ठीक है आर इक्विवेलेंट फोर्टी फाइव इंटू ट्वेल्व बाय फिफ्टी सेवन तो फोर वन एट्टी बाय नाइनटीन किलोम बैंडवेट कितनी होगी वन बाय आर सी वन बाय आर सी अगर लोगे वन जीरो फाइव पॉइंट फाइव फाइव यही आ रही है बैंडविट ठीक है हाँ तो क्वालिटी फैक्टर ओमेगा नॉट बाय बैंडविड्थ ठीक है तो आंसर विल बी बी आएगा ना चलो बहुत ही बढ़िया सभी लोगों ने ज्यादातर लोगों ने मेरे हिसाब से सही निकाला है चलो अगला क्वेश्चन फॉर द नेटवर्क शोन इन द फिगर फाइंड रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी एंड इनपुट इंपिडेंस तो देखो एक्चुअली ना ये क्वेश्चन रिवर्स ऑर्डर में है पहले तो इनपुट इंपिडेंस निकालो एज अ फंक्शन ऑफ ओमेगा फिर आप रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी बता सकते हो बाय इक्वेटिंग द इमेजिनरी पार्ट टू जीरो चलो फाइंड रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी एंड इनपुट इंपिडेंस चलो भाई वैल्यूज नज़र आ रही न, है ना फाइव ओम है टेन मिली हेनरी टेन मिली फेरिड और टू ओम आया भाई किसी का आंसर देखें क्या देखें जरा इसको अगर लिखोगे जे माइनस जे बाय ओमेगा सी तो ये कितना आएगा सी है टेन मिली फेरेड या फिर हंड्रेड बाय जे ओमेगा फिर इसे लिखोगे तो यहां पे क्या आएगा यार फाइव इंटू हंड्रेड बाय जे ओमेगा फाइव प्लस हंड्रेड बाय जे ओमेगा प्लस टू प्लस फाइव इंटू जे ओमेगा पॉइंट जीरो वन देखो ये बनेगा फाइव बाय हंड्रेड प्लस जे फाइव ओमेगा फाइव हंड्रेड बाय एक्चुअली प्लस टू प्लस जे ओमेगा अब आप क्या करो ये जो दोनों कॉम्प्लेक्स टर्म्स हैं बेटा इनको रेशनलाइज कर दो अब देखो कॉम्प्लेक्स नंबर की ना आपको बहुत अच्छे से आदत हो चुकी होनी चाहिए ऐसा मत करना कि सर कॉम्प्लेक्स नंबर से डर लगता है है ना अब ये बहाना नहीं चलेगा अब आपको हो गया काफ़ी टाइम कॉम्प्लेक्स नंबर देखते हुए ये बनेगा भाई ये आएगा ना आपका इंपिडेंस अब आप क्या करोगे कि रेजोनेंस पे बेटा रेजोनेंस पे इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड को आप जीरो करोगे तो यानी फाइव ओमेगा फाइव इंटू फाइव हंड्रेड ओमेगा बाय टेन की पावर फोर प्लस ट्वेंटी फाइव ओमेगा स्क्वायर ये ओमेगा स्क्वायर नहीं वाला ओमेगा होगा इज इक्वल टू जे ओमेगा नॉट जे ओमेगा एक्चुअली ओमेगा इंटू पॉइंट टू फाइव बाय ट्वेंटी फाइव प्लस ये ट्वेंटी फाइव हंड्रेड हुआ और ये पॉइंट टू फाइव हुआ तो ये बन गया टेन की पावर सिक्स कट कटा के ओमेगा से ओमेगा तो कट ही गया सो ओमेगा स्क्वायर तो सौ ओमेगा स्क्वायर पांच सौ इंटू पांच ये हुआ पच्चीस सौ है ना ये पच्चीस सौ हुआ 25 इंटू टेन की पावर 2, 25 इंटू टेन की पावर माइनस टू पच्चीस से 25 कटा ठीक है तो 25 इंटू टेन की पावर 4, तो 24 ओमेगा स्क्वायर तो ओमेगा 100 रेडियन पर सेकंड आ रहा है यार एग्जैक्ट यही आ रहा है क्या सभी लोगों का जल्दी से बताओ हंड्रेड रेडियन पर सेकेंड आ रहा है कम ऑन एवरी वन यही बन रहा है बहुत बढ़िया तो देखो कैलकुलेशन है लेकिन इस कैलकुलेशन में जब आप अच्छे से लिखोगे देखो मेरी कैलकुलेशन में क्यों इजीली मिल गया मुझे क्योंकि कैलकुलेशन अगर आप देखो कितना साफ हमने लिखा है अगर कैलकुलेशन में खासकर कॉम्प्लेक्स नंबर की आप हैंड राइटिंग खराब रखते हो इधर उधर बस ऐसे लिखते हो तो उससे होगा क्या आप खुद ही का आंसर रीड नहीं कर पाओगे चलो नेक्स्ट फाइंड द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ठीक है ये वन मिली फैर दे रखा है भाई ऊपर वाला वन ओम पॉइंट फाइव ओम टू ओम और ये पॉइंट वन है चलो आई थिंक रेस्ट ऑफ द वैल्यूज विल बी वेरी क्लियर वन ओम टू ओम एंड फाइव ओम बेटा मैं रोज रोज तुम्हें एक ही सवाल का जवाब दे दे करके थक चुका हूं कि कितने नेटवर्क बाकी हैं कितने लेक्चर बाकी हैं मैंने बोल तो दिया एट्टी टू एटी फाइव लेक्चर्स की ये सीरीज़ बनेगी तो अब कैलकुलेट कर लिया करो कितना ही मुश्किल है इस काम को करना यानी अट्ठारह बीस लेक्चर और रह गए हैं जिसमें कि दो तीन अभी ए एनालिसिस के बचे हैं बाकी पंद्रह लेक्चर में मेरे हिसाब से तो ईज़िली काम हो जाना चाहिए बल्कि पंद्रह भी नहीं जाने चाहिए जहाँ तक है पंद्रह भी ज़्यादा ही हैं टू पोर्ट नेटवर्क थ्री फेस कपल्ड नहीं, चले जाएंगे पंद्रह चार टॉपिक बचे हैं ना इसके बाद टू पोर्ट बचा है मैग्नेटिकली कपल्ड ग्राफ थ्योरी और थ्री फेज लास्ट के तीन टॉपिक तो जिस ऑर्डर में बोलोगे उसमें पढ़ लेंगे पहले तो टू पोर्ट ही कराऊंगा क्योंकि वो भी एक ऐसा टॉपिक है जो कि मतलब बाकी अदर टॉपिक्स के मुकाबले लेंदी है ये मान के चलो टू पोर्ट में उतना टाइम लगेगा जितना थ्योरम्स में लगा था बाकी बहुत छोटे छोटे, छोटे चैप्टर्स हैं चलो भाई ऑन एवरीबॉडी चलो 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 भाई बढ़िया से बना दो इस क्वेश्चन को थोड़ा स्पीड में पढ़ाई अब बेटा तुम लोग क्वेश्चन का आंसर दोगे तभी तो कराऊंगा फिर कहते हैं कि बच्चे सर टाइम कम देते हैं लो, हमारा क्या जाता है और यार एक सिंपल सी बात है हाथ से लिख के और डिक्टेट करके पढ़ाने में ना टाइम लगता ही लगता है क्यों भाई बाकी लोगों को स्पीड कम लग रही है क्या फिर बताओ नहीं तो फिर दूसरे तरीके से पढ़ाएं भाई ठीक है तो हमने एडमिटेंस निकाल लिया क्योंकि ये पैरेलल सर्किट है ना अब इसको रेशनलाइज करेंगे जे ओमेगा थाउजेंड माइनस जे ओमेगा अब आप क्या करोगे इमेजिनरी पार्ट को जीरो करोगे तो पॉइंट वन ओमेगा तो ये आया टेन की पावर फोर फोर इंटू टेन की पावर फोर प्लस टेन की पावर टू ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू टेन की पावर सिक्स प्लस ओमेगा स्क्वायर तो 99 नाइन ओमेगा स्क्वायर इज पॉइंट नाइन सिक्स इंटू टेन की पावर सिक्स तो यहां से ओमेगा कितना आ गया बताओ रेजिस्टेंस सिक्स होगा मतलब सिक्स क्यों होगा भाई ये पैरेलल, पैरेलल विद दिस पैरेलल विद दिस। एट पॉइंट फोर सेवन ठीक है रेडियन पर सेकंड आ रहा है वैसे तो आंसर विल बी ए ठीक है 98.47 रेडियन पर सेकंड मुस्कान बेटा आपने पीछे के सारे लेक्चर देखे हैं कि नहीं देखे हैं बताओ चलो अगला अप्लाई द रेजोनेंस टू फाइंड ओमेगा नॉट ऑफ द नेटवर्क इन द फिगर इसका रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी बताना है भाई बताओ कौन से क्लास का है ये बेटा आप कौन सी क्लास में हो क्यों मुस्कान कौन सी क्लास में बेटा आप चलो भाई फटाफट बन जाना चाहिए क्वेश्चन कमॉन बेटा दो रेजिस्टेंस थोड़ी ना है पैरेलल में खुशबू एक आरसी सर्किट है ये आरसी सर्किट है इसके ये पूरा आरसी सर्किट इस रेजिस्टेंस और ये आरएल वाली ब्रांच के पैरेलल में आप सिक्स क्या कर रहे हो या फाइव सिक्स एनी स्पेशल कोर्स इज कमिंग फॉर नीट ट्वेंटी ट्वेंटी टू स्पेशल कोर्स एज इन किस टाइप का स्पेशल कोर्स चाहिए चलो भाई सीरीज पैरल में कंफ्यूज ही आ गए हो बेटा बताओ जल्दी से इसका आंसर तुम लोग यार आज ज़्यादा टाइम लगा रहे हो सवाल में दीपू ने दे दिया है सबसे पहले डी देखें भाई दीपू का सही है यानी बाकी लोग भी बताओ ऑप्शन डी चलो देख लेते हैं यार यहाँ भी एडमिटेंस से कर लो वन बाय फाइव प्लस वन अपॉन जे ओमेगा टेन की पावर माइनस सिक्स प्लस वन बाय फाइव प्लस जे पॉइंट जीरो वन ओमेगा अब आप यहां पे क्या करोगे आप इसको रेशनलाइज कर दिए भाई थोड़ा सा कैलकुलेशंस को एंजॉय करने लगोगे ना तो डर निकल जाएगा कैलकुलेशन का दिमाग से अब देखो जब से हम कितनी बार रेशनलाइज कर चुके नंबर्स को यहाँ तो बेटा ज्यादातर क्वेश्चन यही आते हैं रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी निकालने के यहाँ पे ज़्यादा कुछ अलग से नहीं आता अब आप इमेजिनरी पार्ट जीरो करोगे भाई यह हुआ फाइव ओमेगा स्क्वायर फाइव ओमेगा स्क्वायर हो गया नहीं नहीं इमेजिनरी लेना है ना टेन की पावर सिक्स ओमेगा और इधर से हुआ पॉइंट जीरो वन ओमेगा ओमेगा से ओमेगा कटा टेन की पावर एट टेन की पावर ट्वेल्व प्लस पच्चीस ओमेगा स्क्वायर यहां से देखो ओमेगा आएगा ओमेगा आएगा बेटा तो टेन की पावर ट्वेल्व इंटू टेन की पावर ट्वेल्व डिवाइडेड बाय टेन की पावर फोर माइनस ट्वेंटी फाइव ठीक रूट कर लो इसका टेन किलो रेडियन पर सेकेंड ठीक है टेन किलो रेडियन पर सेकेंड फुल मॉडर्न फिजिक्स देखते हैं बच्चे देखते हैं बिल्कुल तो डी आ गया भाई आंसर चलो अगला ट्राई करूं फॉर द नेटवर्क शोन इन द फिगर डिटरमाइन ओमेगा नॉट ये 4.4 मिली हेनरी होगा एम्पियर नहीं होगा दिस शुड बी हेनरी ये आई आर है और ये 10 की पावर 5 आई आर है ये टेन की पावर फोर टेन की पावर फोर है और ये टेन की पावर माइनस एट है ठीक है चलो तपोव्रता बेटा अभी मैं स्पेशल क्लासेस नहीं ले रहा हूं नीट के लिए अभी जो है ना मैं सिर्फ यूट्यूब पे पढ़ा रहा हूँ और एक बार ये थोड़ा सा सेमी वाला पार्ट ख़त्म हो जाएगा तो देखते हैं फिर बेसिक से फिजिक्स स्टार्ट करेंगे मेरे को नेटवर्क एनालिसिस का एक भी नहीं आता तो बेटा ये वाली लेक्चर सीरीज देखो ना हम लोग सिक्सटी लेक्चर पर पहुँच गए हैं तो सिक्सटी लेक्चर पर हम पहुँच गए आप एक बार देखो आपका नेटवर्क स्ट्रांग होने लगेगा श्रेष्ठ बेटा अगला टॉपिक लोकस डायग्राम ही है डोंट वरी उसके लिए हमने अलग से लेक्चर रखा है मे बी शायद कली है कली शायद लोकस डायग्राम की क्लास है ठीक है चलो बताओ इसको देखो इसके अंदर एक डिपेंडेंट सोर्स आ गया तो यहाँ अगर आपको एडमिटेंस निकालना है तो एडमिटेंस निकालने के लिए आपको एक एक्सटर्नल सोर्स लगाना पड़ेगा तो अगर आप एक एक्सटर्नल सोर्स लगा के आई बाई वी निकालते हो तो आपको एडमिटेंस मिल जाएगी और जिससे कि आप क्या निकाल दोगे रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी ऐसे ट्राई करके देखो तो देखो मैं एक सोर्स लगा दे रहा हूं ठीक है सपोज ये वी है वन एंगल जीरो भी लगा सकते हो कोई बड़ी बात नहीं है इसको आप जे ओमेगा एल लिख लो ठीक है ये टेन की पावर फोर है लेकिन इसका आई आर उल्टा दिखा रखा है ऐसे चलो जी कोई दिक्कत नहीं है इसको टेन की पावर एट बाय जे ओमेगा करो वन बाय जे ओमेगा सी से और ये हुआ आपका टेन टू पावर फाइव आई आर देखो आप कैसे करना है मैं ये कहता हूं कि मुझे ना ये करंट चाहिए आई आई एल आई सी बात को समझना आप सबसे पहले आई आर देखो आई आर जाना बेटा प्लस से माइनस चाहिए था लेकिन उल्टा जा रहा है तो माइनस वी बाय टेन की पावर फोर यही होगा ना माइनस वी बाय टेन की पावर फोर श्रेष्ठ बेटा फ्रीक्वेंसी तो निकालनी है ना रेजोनेंस की फ्रीक्वेंसी क्यों मानोगे ठीक अब यहां पे बेटा आई एल क्या होगा वी बाय जे ओमेगा एल ये होगा ठीक है जी आई सी क्या होगा आई सी होगा वी माइनस टेन की पावर फाइव आई आर ओवर टेन की पावर एट बाय जे ओमेगा टेन की पावर फाइव आई आर यह आ लेंगी टेन वी इलेवन वी बाय टेन की पावर एट अपॉन जे ओमेगा अब आप क्या कहोगे कि जो आई करेंट है दैट इज आई एल माइनस आई आर के सी एल लगा रहा हूं प्लस आई सी वी बाय जे ओमेगा एल माइनस आई आर वी बाय टेन की पावर फोर इलेवन वी बाय इलेवन वी जे ओमेगा बाय टेन की पावर एट अब देखो आई अपॉन वी यानी एडमिटेंस एल कितना फोर पॉइंट फोर मिली है ना अभी एल ही रहने दो इतनी कॉम्प्लिकेटेड वैल्यू कौन डाले ये बन गया अब करना क्या रह गया भाई करना क्या रह गया इमेजिनरी पार्ट को जीरो करना रह गया क्या रह गया करना इमेजिनरी पार्ट को जीरो तो अब अगर मैं ये बोलूं कि इमेजिनरी पार्ट ऑफ वाई एन एज जीरो तो यानी वन बाय ओमेगा एल इज एक्चुअली इक्वल टू ओमेगा इंटू इलेवन ओमेगा इंटू इलेवन बाय टेन की पावर एट तो ओमेगा स्क्वायर इलेवन ल ए फोर पॉइंट फोर मिली हेनरी तो यहाँ से आ गया ना लो ओमेगा टेन की पावर इलेवन बाय फोर्टी फोर फोर्टी फोर पॉइंट फोर्टी फाइव पॉइंट फोर फाइव किलो रेडियन पर सेकेंड ये आ गई आपके पास रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी तो आंसर विल बी ए समझ में आया क्या किया हमने श्रेष्ठ बेटा बिना फ्रीक्वेंसी दिए जेड टी एच थोड़ी निकलवा लेगा फिर आपको जो है ना ओमेगा के टर्म में ही छोड़ना पड़ेगा यहीं तक आप कुछ नहीं कर सकते फ्रीक्वेंसी अपने मन से कभी नहीं माननी ठीक है फ्रीक्वेंसी मस्ट ऑलवेज बी गिवन अब अगला देखो इफ द करेंट सप्लाइड वोल्टेज सोर्स पॉइंट फाइव एम्पियर डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ आर एल सी एज्यूम सर्किट इज इन रेजोनेंस बिल्कुल हो सकता है दीपू अगर आपने एल ऑसिलेटर पढ़ा है मुझसे तो वहां पे आपने देखा होगा हमने एक इक्वेशन कैपेसिटर की ये निकाली थी वन माइनस कॉस ओमेगा टी तो वहां सप्लाई थी वी और इक्वेशन आई थी वी इंटू वन माइनस कॉस ओमेगा टी जो कि कहां तक जा रही थी मैक्सिमम टू वी तक कहां तक टू वी तक तो आप खुद सोचो जा तो सकती है ऊपर देखो करेंट सोर्स करेंट आ रहा है पॉइंट फाइव एम आपको आर एल और सी बताना है और ये फ्रीक्वेंसी है ये वोल्टेज है ट्वेंटी फाइव वोल्ट फोर हंड्रेड हर्ट्स ठीक है कर दो आर ट्वेंटी आ रहा है चलो देखते हैं अब देखो ना यहां पे हो रहा है ना अगर आप देखो कैपेसिटर की वोल्टेज 150 है जबकि सोर्स के कितनी है 25 यानी क्वालिटी फैक्टर कितना हुआ सिक्स सर हम ये वी एक्स वन माइनस वी नॉट करेक्ट नॉट द करेक्ट सर बेटा मुझे बिल्कुल समझ नहीं आया चलो देखें एक बार देखो कैपेसिटर की जो वोल्टेज है वो ये है देखो सी तो यहां से डायरेक्टली आ जाएगा सी तो यहां से डायरेक्टली आ जाएगा वन पॉइंट थ्री सिक्स थ्री माइक्रोफेरेड ठीक है अब रेजोनेंस के अंदर बेटा वी एल इज इक्वल टू वी सी इज इक्वल टू कितना वन फिफ्टी दोनों बराबर होते हैं तो आई इंटू ओमेगा एल ये भी वन फिफ्टी तो वन फिफ्टी बाय पॉइंट फाइव ठीक है, टू तो टेन की पावर सॉरी टू तो पाई इंटू फोर हंड्रेड तो थ्री बाई एट पाई पॉइंट वन वन नाइन थ्री हेनरी अब अगली बात क्या है कि जो सोर्स वोल्टेज है ट्वेंटी फाइव ये पूरी रेजिस्टेंस के अक्रॉस जाएगी ठीक है ये पूरी किसके अक्रॉस जाएगी रेजिस्टेंस के अक्रॉस जाएगी तो आर एंटायर वोल्टेज अपीयर्स अक्रॉस अपीयर्स अक्रॉस द रेजिस्टेंस ठीक है चलो अगला देखो फाइंड एफ नॉट एंड क्यू नॉट यहां पे भी देखो मैंने एक डिपेंडेंट सोर्स लगाया पॉइंट फाइव वी आर का वी आर इज द वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस करो इसमें भी डमी सोर्स लगा के थैंक यू रेड्डी थैंक यू बेटा चलो एफ नॉट एंड क्यू नॉट कम ऑन गाइस बनाते चलो आज क्वेश्चन पूरा रेजोनेंस रेडी हो जाएगा एल जो है ना पिछले क्वेश्चन का एल आप रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी से भी निकाल सकते थे कि जब रेजोनेंस दे ही रखा है तो जो सोर्स की फ्रीक्वेंसी है वो क्या है दैट इज एक्चुअली रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी थैंक यू हिमांशु बेटा चलो जल्दी से इसका आंसर बताओ बस आप लोग यार फैलाते रहा करो इस चैनल को भी जो है ना अपने वो क्रिएटरिक्स लेवल तक पहुंचाना है इतना बच्चा कनेक्ट करना है इस चैनल से भी फिर क्या होगा कि ना अब देखो हमारे पास टीम तो बड़ी है अब अगर अपने पास दो चैनल बढ़िया से रनिंग होंगे इलेक्ट्रिकल ई के तो वी विल बी एबल टू कंडक्ट मोर इनिशिएटिव इन अ मोर स्ट्रक्चर्ड वे अभी क्या होता है सारी चीज़ें क्रिएट्रिक्स पे चल रही होती हैं जंबल अप हो जाती हैं तो हमें क्या करना है कि हमें दोनों तरह के बच्चों को डील करना है नॉर्थ इंडियन साउथ इंडियन ठीक है जिन्हें हैंड रिटर्न पसंद है जिन्हें थोड़ा ग्राफिकल कंटेंट पसंद है तो हर तरह का इनिशिएटिव लाना है उसके लिए आपको एक प्लानेट गेट को एक बड़ा चैनल बनाना पड़ेगा अगर ये बड़ा चैनल हो गया तो दोनों जगह डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ स्टूडेंट्स को हम लोग पढ़ा सकते हैं बहुत अच्छे से आया किसी का आंसर और ये वन मिली हेनरी होगा अगेन एम्पियर नहीं होगा ऐसा है क्या मेरी हैंडराइटिंग से तुम्हारी हैंड राइटिंग ठीक हो रही है ये तो पहली बार सुना और बहुत पॉजिटिव इंपैक्ट है यार तुम्हें टेंथ चाहिए किसी को टेंथ किसी को इलेवेंथ किसी को ट्वेल्थ किसी को बीटेक टेक इंसान तो एक ही है कितना काम करेगा तुम लोगों को पढ़ा पढ़ा के या तो मुझे तुम घर से निकलवाओगे या फिर मैं मर जाऊँगा पढ़ाते पढ़ाते यही होने वाला है देखो मैंने ना यहाँ करेंट सोर्स लगा दिया चलो एक काम करो आप आई लगा लो ज़्यादा सूटेबल लगता है मुझे तो यहाँ जो वी है दैट इज़ एक्चुअली टेन आई पॉइंट फाइव वी आर कितना हो गया फाइव आई इथे से आया आई इधर से आया फाइव आई तो कितना गया सिक्स आई सिक्स आई ठीक है अब यहां पे आप क्या कर सकते हो वी इज इक्वल टू आई इंटू ओमेगा एल प्लस टेन आई प्लस सिक्स आई बाई जे ओमेगा सी तो यहाँ से वी बाय आई यानी आपके पास जेड आ गया कितना आ गया जे ओमेगा एल सॉरी ये हो गया जे ओमेगा एल प्लस टेन प्लस सिक्स बाय जे ओमेगा सी अब आप क्या कहोगे रेजोनेंस के टाइम पे इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड इज जीरो ओमेगा एल तो ओमेगा इज़ रूट सिक्स बाय एल सी फिफ्टीन एनोफेरेड और वन मिली हेनरी फिफ्टी इंटू टेन टू पावर माइनस ट्वेल्व ठीक कितना आएगा ये देखें जरा थ्री फोर्टी सिक्स पॉइंट फोर किलो रेडियन पर सेकेंड ठीक है और यहां पे अगर एफ नॉट की बात की जाए तो ओमेगा नॉट बाय टू पाई 55.13 किलोहर्ट्ज अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि सर बैंडविड्थ कैसे निकालें बेटा यहाँ पे एक छोटी सी चीज़ अगर नोटिस करो तो क्या होगा ना ये जो सिक्स है इसको सी के नीचे ले जा सकते हो अगर इसे सी के नीचे ले गए तो हम क्या कह सकते हैं कि इफेक्टिव कैपेसिटेंस इज सी बाई सिक्स इफेक्टिव कैपेसिटेंस इज सी बाई सिक्स तो अगर आपको बैंडविड्थ चाहिए बैंडविथ क्या होती है बेटा आर बाई एल यही होती है ना सीरीज सर्किट की तो टेन बाई एल एल कितना पर सेकेंड समझ में आया आप यहां पे ऐसे भी सोच सकते हो इट इज आर प्लस जे ओमेगा एल प्लस वन बाई जे ओमेगा सी बट सी की जगह क्या हो गया सी बाय सिक्स आने से अब क्वालिटी फैक्टर ओमेगा नॉट बाय बैंडविथ ये निकाल लेना तो 10 से डिवाइड करोगे 34.6 ये yeah, पॉइंट 34 या ठीक है चलो बहुत ही बढ़िया अगला देखो अ सीरीज रेजोनेंट सर्किट हैज एफ नॉट क्यू नॉट एक्सएल आरएलसी बताना है अगर एक सोर्स दे दिया वन एंगल जीरो डिग्री तो आपको बताना है वीसी कितना होगा एट फोर फिफ्टी अर्थ चलो निकालो इसको अभिनव अगर क्वालिटी फैक्टर का डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखोगे तो वहां से बैंडविड्थ आ जाएगी या अगर बैंडविथ का फॉर्मूला याद रखते हो तो वहां से क्वालिटी फैक्टर आ जाएगा दोनों तरफ तुम जा सकते हो दोनों तरह से कह सकते हो क्वालिटी फैक्टर इज इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड ओवर रियल पार्ट ऑफ जेड लेकिन अभी ना वो आपका ना फर्स्ट ऑर्डर सर्किट में चल जाएगा यहां तो इमेजिनरी पार्ट आप जीरो ही कर रहे हो ठीक है आप इमेजिनरी पार्ट जीरो ही कर रहे हो बेटा अब इमेजिनरी पार्ट अगर ज़ीरो कर दिए आपने तो फिर कोई मतलब ही नहीं निकला ना क्वालिटी फैक्टर का नितिन बेटा मेजरमेंट कल से स्टार्ट तो हो रहा है क्रिएट्रिक्स चैनल पे आपके कॉलेज लायक हो जाएगा बच्चे क्यों घबरा रहे हो कॉलेज इंजीनियरिंग सर्विसेज इस लायक हो जाएगा मेजरमेंट कर लेना काहे टेंशन लेते हो इतनी क्योंकि मैं मेजरमेंट जब कराऊंगा अभी तो मैं क्रिएट्रिक्स चैनल पर कराऊंगा पहले देखो वन आवर फिफ्टीन मिनट से वन एंड हाफ आवर तक जा सकती है ये क्लास नॉट ने डेढ़ घंटे ही जाए प्रणब एक्चुअली उसे करने का तरीका वही है अगर कोई भी पैरामीटर निकलवा ले तो आप वहां पे इफेक्टिव कैपेसिटेंस बोल सकते हो सी बाई सिक्स ये वाला बना देखो एट रेजोनेंस एक्सएल इज इक्वल टू एक्सी ये दोनों तो बराबर आ गए तो एल कितना हुआ 500 ओवर ओमेगा ओमेगा कितना है भाई आपका 500 हंड्रेड हर्ट बोला है ना ठीक है सी वन बाय ओमेगा सी है फिफ्टी तो फिफ्टी फाइव इंटू टेन की पावर फाइव अब आर निकालने के लिए देखो क्वालिटी फैक्टर टेन दिया है तो बैंडविथ निकाल लो एफ नॉट बाय क्वालिटी फैक्टर फिफ्टी हर्ट्स ठीक है अगर बैंडविथ फिफ्टी हर्ट्स है टू पाई इंटू फिफ्टी रेडियन पर सेकेंड ये आर बाई एल होगा तो आर कितना हो गया हंड्रेड पाई ओवर टू पाई फिफ्टी ओम ठीक है अब ये सेकेंड पार्ट के अंदर हमसे क्या पूछ रहा है भाई सेकेंड पार्ट में ये पूछ रहा है वी बताना है अगर हम वन एंगल जीरो का सोर्स लगाते हैं तो आई पहले तो आप क्या करो यहाँ पे एक्सेल और एक्सी निकाल लो एक्सेल तो ये आ गया आपका कितना 450 फिफ्टी ओ सिंपल एक्स सी वन बाय ओमेगा सी सी कितना है टू इंटू टेन टू दावर माइनस सिक्स बाय पाई पाई से पाई कट गया 45 फाइव इंटू फोर वन हो गया फाइव हंड्रेड बाय नाइन तो एक्स आ गया ग्रेटर देन एक्सएल ठीक है तो आप Z निकाल लो यहाँ पे रूट ओवर फिफ्टी स्क्वायर फाइव हंड्रेड बाय नाइन माइनस फोर फिफ्टी स्क्वायर ठीक है फाइव थाउजेंड बाय नाइन सॉरी थ्री थर्टी सिक्स हंड्रेड फोर जीरो फाइव जीरो यानी नौ सौ पचास बचा नौ सौ पचास बटे नौ स्क्वायर प्लस पचास का स्क्वायर रूट आंसर वन वन सिक्स पॉइंट सेवन नाइन एट तो वन वन सिक्स पॉइंट एट ओम कह दो ठीक है तो यहां से आई आ जाएगा यहां से आई निकालोगे बेटा पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट बच्चे पावर सिस्टम के अंदर आता है मशीन्स के अंदर भी आता है पावर सिस्टम के अंदर भी आता है और मैंने कराया हुआ भी है वहां पे अगर आप चेक करोगे चाहे मशीन की प्लेलिस्ट चेक कर लो चाहे पावर सिस्टम की सब चीजें नेटवर्क में थोड़ी हो सकती हैं हाँ एक्सी कितना है फाइव थाउजेंड बाई नाइन फोर पॉइंट सेवन फाइव सिक्स वोल्ट ठीक है ये आ गया ये क्लियर हो गया चलो तो आज का लेक्चर भाई यहीं समाप्त करते हैं बेटा ये मेरी स्पेशल क्लासेस का लिंक है यहां पे आज आपको अपकमिंग में दो स्पेशल क्लास नजर आएंगी एक तीन बजे पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के क्वेश्चन की एक साढ़े सात बजे पावर सिस्टम के क्वेश्चन की तो ये क्लासेस जरूर अटेंड करना अपकमिंग में अवेलेबल है ठीक है और बेटा अगले संडे होने वाला है स्कॉलरशिप टेस्ट जिसमें आप सब लोग अपीयर कर सकते हो अपना परफॉर्मेंस टेस्ट कर सकते हो और साथ ही साथ जो बच्चे टॉप परफॉर्म करते हैं दे कैन विन इवन हंड्रेड परसेंट स्कॉलरशिप ठीक है तो इसमें एनरोल कर लेना अन अकेडमी ऐप पे यूजिंग द कोड अंकित ई बेटा फोर फिफ्टी हर्ट पर रेजुनेंस थोड़ी है जो नया क्वालिटी फैक्टर निकालोगे आर सर्किट का क्वालिटी फैक्टर रेजोनेंस पे डिफाइंड है अब इसके अलावा बच्चों देखो मेरा जो है अभी पे मेजरमेंट स्टार्ट हुआ है जिसको आप अभी भी ज्वाइन कर सकते हो अभी हमारा पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट ही चालू हुआ है तो इफ यू गाइस वांट टू ज्वाइन ज्वाइन इमीजिएटली यूजिंग द कोड अंकित ई एस वाले बच्चों के लिए अभी ई का बेसिक चल रहा है अभी सुरेश सर इसके अंदर वही चीजें बता रहे हैं जो आपको

फॉर दिस फीस एंड लेटर ऑन यू कैन रीपे इट ठीक है बट कोड याद रखना अंकित ई सी अंकित ई सी से आइकॉनिक वन ईयर फोर्टी फाइव टू ट्वेंटी फाइव टू ईयर सिक्सटी सिक्स सिक्स हंड्रेड अगेन बेटा गो विध टू ईयर्स और देखो ये मेरा अन अकेडमी प्रोफाइल है बच्चे इसको फॉलो कर लेना मुझे मैसेज कर सकते हो यू कैन चैट विथ मी और ये है मेरा टेलीग्राम चैनल वेयर यू कैन स्टे कनेक्टेड और आपको लेक्चर के नोट्स लेक्चर का लिंक सब मिलता है सो थैंकू एवरी वन प्लीज डू लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड लीव अ कमेंट बिलो द वीडियो अब मिलेंगे शाम को छह बजे बट उससे पहले तीन बजे मिलेंगे स्पेशल क्लास में ठीक है थैंक यू